नमस्कार, फिल्मी बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका वर्मा। डॉक्टर ने खोला राज, बताया किन कारणों से हुई डॉक्टर हाथी की मौत। टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में डॉक्टर हंसराज हाथी का रोल निभाने वाले कवि कुमार आजाद के सोमवार को हुए निधन से टीवी इंडस्ट्री सदमे में है। आजाद की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई, लेकिन इसके पीछे उनकी बिगड़ी लाइफस्टाइल और बहुत ज्यादा वजन को भी कारण माना गया। डॉक्टर हंसराज हाथी की 8 साल पहले बैरियट्रिक सर्जरी करने वाले डॉक्टर ने न्यूज पोर्टल को बताया कि डॉक्टर हाथी इसलिए अपना वजन नहीं घटाना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि फिर उन्हें काम नहीं मिलेगा। डॉक्टर ने यह भी बताया कि 8 साल पहले कवि कुमार उनके पास बिल्कुल मृत हालत में आए थे। इससे पहले उन्हें डॉक्टर ने कई बार बैरियट्रिक सर्जरी की सलाह दी थी, लेकिन काम न मिलने के डर से वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। उस समय कवि कुमार का वजन 265 किलो था। इस वजन के साथ वो चल भी नहीं सकते थे। उन्हें 10 दिन तक वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। यहाँ तक कि उन्हें वेंटिलेटर से भी हटाया नहीं जा सकता था क्योंकि वो इसके बिना सांस नहीं ले सकते थे। वैसे डॉक्टर ने इस बात का भी खुलासा किया कि कुछ दिन बाद वो ठीक हो गए और उन्होंने 140 किलो वजन कम किया। वो सेट पर जाने लगे और नॉर्मल लाइफ जीने लगे। इसके बाद उन्हें दूसरी बैरियट्रिक सर्जरी की सलाह दी गई, लेकिन वो इसके लिए राजी नहीं हुए। इससे उनका वजन 90 किलो तक कम हो सकता था। कवि कुमार को लगा कि वो फिर बेरोजगार हो जाएंगे। वैसे डॉक्टर ने इस दौरान ये भी रिवील किया कि डॉक्टर हाथी को पेंडिंग का इस्तेमाल कर कैमरा फेस करने की सलाह दी, लेकिन वो इसके लिए भी राजी नहीं हुए। इसके बाद उनका वजन 20 किलो बढ़ गया, वो 160 किलो के हो गए। लेकिन डॉक्टर हाथी अब भी बैरियट्रिक सर्जरी नहीं कराना चाहते थे। यदि हो जाती तो आज डॉक्टर हाथी जिंदा होते। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।